बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम आज दरो दीवार नबी जी अल्लाह 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 बारा रबीउल अव्वल को वो आए आका करीम। आप भी कह दे सुभान अल्लाह। बारा रबीउल अव्वल को वो आए आका करीम। माहे नबूवत मेहरे रिसालत साहिबे खुल्के अजीम नबी जी अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद मोहम्मद दानिश जलाली आपकी खिदमत में हाजिर है बच्चों के लिए खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम है चांद और तारे। नाज़रीन, सआदत की बात है कि एक ऐसे नातख़्वां हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं जिन्हें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब भी नात की तारीख लिखी जाएगी तो इनका नाम हमेशा हमेशा अव्वल होगा। और आज ये ख़ास तौर पे ये जो छोटे मोटे चांद सितारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, इनके लिए बड़ी सआदत की बात है कि अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिद्दीक भाई, यकीन कीजिए प्रोग्राम का आगाज़ हुआ और आपकी आवाज़ जब हम पहले भी सुनते थे अभी भी वैसे ही है और मज़ीद इसमें जो है मिठास आ गई है, यकीन कीजिए। अल्लाह ताला का ये करम है, ये एहसान है कि उसने अपनी और अपने महबूब की हम्द व सना के लिए मुंतखब कर लिया है। वाह वाह। तो करम उसी का होता है तो हम आज तक अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है इंशाल्लाह हम्द व सना करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, ये सरकार के जिक्र का ही करम है माशाल्लाह। कैसा लग रहा है सिद्दीक भाई यहाँ आके? माशाल्लाह चांद सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों के साथ बैठकर बहुत अच्छा लगता है। एक वक्त था हम जब टेलीविज़न वगैरह नहीं थे, जी जी, तो रेडियो पाकिस्तान पर बच्चों का प्रोग्राम हुआ करता था। ये किस सन की बात होगी सिद्दीक भाई? ये PTV भी शुरू नहीं हुआ था, तकरीबन आप समझ लें कि ये 50 साल अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त बच्चों के प्रोग्राम भी हम भी इसी तरह से बच्चों के प्रोग्राम में जाते थे, वहाँ नात पढ़ते थे और अल्हम्दुलिल्लाह फिर रफ्ता रफ्ता करम बालाए करम होता गया। तो ये आज अल्लाह ने हमें सना खाने रसूल बना दिया। अच्छा सिद्दीक भाई, मैं जानना चाहूँगा और बच्चे भी ख़ास तौर पे जानना चाहेंगे कि अब तो सोशल मीडिया का दौर है और बहुत सारी आसानियाँ हैं। 50 साल पहले, अगर जैसे आप बता रहे हैं 50 साल पहले हम जाते हैं, तो उस वक्त रबीउल अव्वल मनाने का क्या तरीक़ेकार था, किस तरह से मनाया जाता था? उस वक्त भी माशाल्लाह मसाजिदों में महफिलों में बड़ी बड़ी तकरीबात हुआ करती थी और
रेडियो पाकिस्तान, फिर पीटीवी आया तो उसने भी महफिलें शुरू की, फिर इसके बाद प्राइवेट चैनल, तो फिर माशाल्लाह और भी ज़्यादा इसमें इजाफा हुआ। लेकिन ये जिक्र तो वो है, अजल से जारी है और अबद तक जारी रहेगा इंशाल्लाह। ज़राए अबलाग हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब अल्लाह ताला फरमाता है वमा अरसलना का रहमतन लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, तो जिनका जिक्र अल्लाह और अल्लाह के मलाइका कर रहे हो उनके जिक्र को ज़राए अबलाग, ठीक है इनकी सआदत है ये बेशक बेशक, लेकिन ये जिक्र तो ज़मीन व आसमान फरिश्ते भी कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी करता है और उस फरिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। मदीने का सफ़र है, अगर इसका एक शेर हो जाए। अच्छा, ये बच्चे जो पढ़ते हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। बच्चे आपके साथ पढ़ेंगे, मैं भी आपके साथ पढ़ूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मदीने का सफर है और मैं नमदीदान दीदा, जबी अफसरदा अफसरदा कदम लगजीदा लगजीदा, चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा बदन लरजीदा लरजीदा, कदे मदीने का सफर है और मैं दीदा दीदा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बच्चों की तरफ आते हैं सिद्दीक भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो बच्चे कुछ कहना चाहते हैं। जी बेटा, कौन क्या कहेगा, आप कहेंगी? जी फरमाइश कहना चाहती थी। फरमाइश सिद्दीक भाई, आप जहाँ मौजूद हो वहाँ फरमाइश ना हो ऐसा हो नहीं सकता। जी बेटा, ये कहती थी घर घर सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ? ठीक है बिल्कुल माशाल्लाह। चले पहले मिलकर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल पर है मेरा मुकद्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं, उठी चार सू रहमतों की घटाएं, सारी फजाए खुशी में ये जिब्रील नगमे सुनाए, वो शाफ़ाए रोजे जजा गए हैं, ये कहती थी घर घर में हलीमा मेरे घर।
گھر میں خیر الورا گئے جسے چاہا در پہ بلا لیا. صدیق بھائی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. حضرت امام بہت بڑے عاشق رسول جنہوں نے یہ تین مصرے کہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, یہ تین مصرے کہہ کر لکھنے والا خاموش ہو گیا. اکبر. اب پریشان ہے کہ چوتھا مصرہ کیوں نہیں ہو رہا. اب سو گئے رات, کیا سوئے ان کی قسمت جاگ اٹھی. دیکھ رہے ہیں خواب میں کہ محفل سجی ہوئی ہے صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں. جب سعدی پر نظر پڑی, شیخ سعدی, تو حضور نے فرمایا تین مصرے تو کہہ دیے ہیں, پڑھو چوتھا مصرہ ہم کہیں گے. واہ سبحان اللہ. اب دیکھیں کیا انہوں نے لکھا اور یہ چوتھا مصرہ کیسے ہوا. بلغ العلا کشفت دجا بجمالہ سبحان اللہ حسنت جمیع خصالہ. تو سرکار نے فرمایا کہ سعدی بس اب یوں کہہ دے کہ صلو علیہ اور جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچوں کی طرف آتے ہیں. جی بیٹا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ مائک دیجیے ان کو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی سیدنا علی سیدتنا زینب و سیدتنا حسن و سیدتنا حسین و علی آلہ و صحابہ و بارک و سلم. ماشاءاللہ بارک و سلم. ماشاءاللہ. صدیق بھائی یقین کیجئے وقت کا پتہ نہیں چلا کیسے گزر گیا, بس دل چاہ رہا تھا کہ بیٹھے رہیں, آنکھیں بند ہوں اور مدینے کی فضاؤں میں ہم چلے جائیں. اللہ کیا پیغام دیں گے صدیق بھائی؟ میں مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے
कि क्यू टीवी ने आज एक ये एक नए अंदाज में मिलादुन्नबी की महफिलों का इस तरह से एहतमाम किया है। खूब जान लीजिए, हर फन अपनी जगह पर, लेकिन ये फने नातखानी जो है ये दुनिया में भी कामयाबी की सनद है और आखिरत में भी कामयाबी की सनद है। सुभान अल्लाह। तो आप सनाए हबीब करते रहें, मेरा ये पैगाम है। अल्लाह जिनकी सना बयान कर रहा है, और अल्लाह अपने बंदों से कहता है कि मेरे मलाइका और मैं इस महबूब पर दुरूद सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद सलाम भेजा करो। तो बस मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि जितना हो सके हम्द सना करते रहें, नमाज सलात की पाबंदी करते रहें और वालिदैन का अदब करते रहें। माशाल्लाह, बहुत सलामत रखे, खुश रखे। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत पैगाम सिद्दीक भाई का। बस चलते चलते कहूँगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का इश्क तो है अपनी जगह, लेकिन कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का इश्क तो है अपनी जगह, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेना भी इबादत है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान सैयद मोहम्मद दानिश जलाली को और आलम इस्लाम के एक एक मुसलमान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। या रसूल अल्लाह, तेरे दर की फजाओं को सलाम, गुम्बदे खजरा की ठंडी ठंडी छांव को सलाम, जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, उन फकीरों राहगीरों और गदाओं को सलाम।